थी हकीकत वो बाद में मालूम हुआ, जब सीने से सर उनका टकराया था। कायनात है आई गली में मेरी, दीदार में उनका ही करता करता हूँ मैं रहा। जितनी मुझे भाई आती साहब है, मतलब आप के गा लेता हूँ मैं सभी में। कौन सी आती हो? चलो इंग्लिश भी आ जाती है, पंजाबी इंग्लिश ही भी आ सुन जाती लेते हैं। Pack your things, leave somehow. You wanna dress as karma, perfume regret. You're getting thinking, but when you are mine, you just want extension. You just want my heart. Maybe you just said I love me, someone ऐसा कुछ था तो ऐसे ठुड्डा बोल दो, ठेला बोल क्या दो, बोला क्या बोला? ये कौन सी लैंग्वेज? ये हमारी पहाड़ी में एक्चुअली। हाँ ठुड्डा ठुड्डा बोलते लगना, सारे हैं, डोगरी च बोल रहे तेरी ठुड्डा डोगरी क्या ठुड्डा है? अरे ठुड्डा लगना, ठुड्डा लगना ये तुम्हारी लैंग्वेज है? ठेला लगना। जम्मू कश्मीर के यंगस्टर्स की बात करते हैं, अब वो कुछ हटके करने की ओर जो है वो चल पड़े हैं। वहीं हम देखते थे कि जो जम्मू कश्मीर के युवा हैं वो हर एक चीज़ में पहले पीछे होते थे, लेकिन अब जो है वक्त बदल चुका है और ये अलग अलग जॉनर्स में अलग अलग चीज़ें जो है वो ट्राई कर रहे हैं। वहीं पर अगर बात करते हैं तो अभी हमारे साथ एक पूरी टीम जो है वो मौजूद है। अनिकेत है, इनका प्रोडक्शन हाउस है। ऋतिक है, ये लिरिक्स दिए हैं इन्होंने। और हमारे साथ विशाल है, इन्होंने जो है ये सॉन्ग को गाया है। और वहीं अगर बात करते हैं, इनकी मॉडल जो है वो मिसिंग है और इनका नाम जानते हैं। और मिसिंग क्यों है ये पहले हम अनिकेत से जानते हैं। अनिकेत, मॉडल का नाम क्या है? मॉडल का नाम दिया है। दिया मिसिंग है आज। मिसिंग का रीज़न ये है कि हमारी पहले मतलब इस चीज़ को लेकर बात नहीं हुई थी कि कब रिलीज़ करना है, और मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आज के दिन उनका वो भी 12th का एग्ज़ाम होगा। आज के दिन तो इसलिए एग्जाम मोस्ट इम्पोर्टेंट था, वो मिस नहीं कर पाए तो वो वहां पे गए हैं। तो ये उनके बिना ही आए हैं, तो बाद में अभी रितिका जो वॉट लगाएगी उसको सह लेना। दिया दिया चलो ठीक है, उसको सह लेना आप, क्योंकि उनका फर्स्ट सॉन्ग था ये, आई थिंक उनका तो थर्ड या फोर्थ होगा, उससे थर्ड या फोर्थ। पहले लेकिन हर एक लड़की का ख्वाब होता है ना कि मेरा सॉन्ग है तो मुझे जाना ही जाना है। अब ये तो लड़की का ख्वाब है, अब मैं कैसे उनकी फीलिंग्स को खुद बता सकता नहीं, हूँ। आपको बताना चाहिए, आपने उनके साथ एक्ट किया। मे बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सॉन्ग का नाम है कायनात और इन्होंने गुनगुनाया, इनका नाम विशाल है, तो विशाल से जानते हैं। विशाल जी, पहले आप अपना सॉन्ग जो है सुनाएं। हाँ सबसे पहले नमस्कार सभी को। मैं आपको कुछ लाइनें सुना देता हूँ जो असली हमारे भी कुछ गाने की। लाइनें सुन लांगे, हंसते बड़े सही होते सी। थी हकीकत वो बाद में मालूम हुआ, जब सीने से सर उनका टकराया था। कायनात है आई गली में मेरी, दीदार में उनका ही करता रहा। गाइस अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़, आप आज हमारा गाना लॉन्च हो चुका है तो आप अगर पूरा सुनना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पे वे टू सक्सेस म्यूज़िक कायनात वो भाई विशाल शर्मा। हाँ सब्सक्राइब को सॉरी चैनल को टाइप करना पड़ेगा, वहाँ पे सर्च बार पे चैनल का नाम, तो आपको ये गाना मिल जाएगा अगर आपको अच्छा लगा तो। ऋतिक जरा यहाँ आए, क्या एज है? 21। 21। हाँ ये जी कायनात वर्ड ही बहुत भारी भरकम है, तो कैसे मतलब सोच लिया? सोच मैम, जब बैठता है लिखने तो कुछ भी आ जाता है दिमाग में, तो कुछ लिखना भी आ गया कुछ भाई, भी ऐसा लगा कायनात बहुत भारा वर्ड है। भारा। और जानते हो आप उस चीज के बारे में, उसका मतलब क्या, तो आप लिख सकते हो। बिल्कुल। हाँ जी तो जब लिखा क्या सोच थी? मतलब अगर कवि कुछ लिखता है, कुछ भी शायरी करते हैं, हमारे दिमाग में कुछ होता है, तो क्या सोचा? कंसेप्ट होता है मैम, अगर आपके पास मतलब अगर आप किसी चीज़ को सोचने की वो रखते हो, कि अगर आप कोई चीज़ सोच सकते हो तो मतलब कर सकते हो आप उसको। और मतलब ये होती है कुछ कंसेप्ट होता है, इसीलिए तो कोई चीज़ लिखी जाती है। तो फिर मतलब कुछ थी लाइन थी, कुछ आप मतलब स्टोरी पूरा थी। नहीं बताना, आप चाहते हो कि लोग अब गाना ही देखें, कंसेप्ट नहीं आप कभी सुन लें। नहीं वही मतलब वो जो चीज़ है, अगर आप गाना देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो जिस ऑर्डर में मतलब उनको रखा गया है, तो आप देख लोगे। अनिकेत, इस गाने में कितनी मेहनत लगी? मेहनत की अगर बात करें तो सच्ची बताऊं तो जब मैं मेहनत या पीछे हार्डवर्क की बात करता हूँ तो मुझे खुद भी कई बार मतलब बहुत ऐसा लगता है कि इसके पीछे हमने इतना टाइम दिया और इतना टाइम कैसे लगा, क्योंकि कोई भी नॉर्मली अगर मैं कहूँगा तो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी कोई यकीन नहीं करेगा कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि 6 से 7 महीने का इसे टाइम लगा। ऑलमोस्ट बंदा सोचता है कि
2 या 3 मिनट का गाना है, ये तो 5 या 10 दिन का काम होगा मैक्सिमम, बट इसमें 6 महीने की मेहनत है हमारी। 6 महीने की मेहनत है। तो एक्ट जो है आप ही ने किया है? जी, एज ए मॉडल। एज ए मॉडल, तो कितना मजा आया आपको? एक अच्छा एक्सपीरियंस था, एक न्यू टीम के साथ, विशाल भाई के साथ भी फर्स्ट मतलब एक्सपीरियंस है हमारा काम का, ऋतिक भाई के साथ भी, और जो मॉडल थी एज वेल एज बाकी जो अपनी ऑलमोस्ट टीम थी, काफी अच्छा रहा, अमेजिंग एक्सपीरियंस कह सकता हूँ। तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं, इससे पहले भी मतलब आपके प्रोडक्शन हाउस से बहुत से गाने जो है वो लॉन्च हो चुके हैं, तो इस टीम के साथ आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस था? हाँ, इस टीम के साथ मेरा फर्स्ट था, और भी काफी आर्टिस्ट हैं, जैसे इससे पहले आपको पता ही है नेत्रा टिक्कू जो कश्मीरी गर्ल है, उससे पहले जो स्टार गबरू सौरभ शर्मा, और इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्ट हम मतलब कि जिसको हमें लगता है कि मौका देना चाहिए या इसको जरूरत है तो हम उसको जरूर सपोर्ट करते हैं अपनी तरफ से। ये आपका पहला सॉन्ग था? नहीं नहीं, मैं कर चुका हूँ पहले, मैं 2-3 गाने कर चुका हूँ पहले। 3 गाने, इसके पहले वाले जो गाने थे उनके बारे में बताया? वही नेत्रा टिक्कू जो उन्होंने बोला वो भी मैंने लिखा था, नेत्रा टिक्कू का, और मेरा एक सबसे पहला गाना था वो 3 साल बाद था। कितने सालों से आप ये कर रहे हैं? मतलब लिखने का शौक तो मुझे काफी टाइम पहले से था, मतलब अगर पिछले रिसेंट वाले ये 25 अप्रैल से मैं मतलब अच्छी तरह से लिखने की मतलब इस लाइन में हूँ। मतलब सोचा है कि इसी लाइन में फ्यूचर बनाना है? नहीं मतलब ठीक है, करना है। आप भाई प्रोफेशन क्या करते हैं? भाई प्रोफेशन में स्टडी करता हूँ, अभी मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ, तो मेरा 3rd सेम चल रहा है, तो उसके पेपर चल रहे हैं, तो साथ साथ में स्टडी चल रही है और साथ साथ। विशाल, और कोई सॉन्ग सुनना चाहेंगे आपकी आवाज़ में जो आपको लगता हो कि बहुत बेहतरीन है? हाँ, मैं कुछ सुनाता हूँ आपको। है वक्त मेरा अब साथ तेरे, जिस पल नहीं थी तू पास मेरे, लम्हा गया ना वो गुजर के तेरे बिना, दिल को मैंने दी कसम ना धड़के तेरे बिना, धड़के तो सारी जिंदगी ये तड़पे तेरे बिना। कितनी लैंग्वेजेस में गा लेते हो? हाँ, मैं मतलब कि जो काफी कोशिश करता हूँ मैं, जितनी मुझे आती है मतलब के गा लेता हूँ मैं सभी में। कौन सी आती हो? इंग्लिश भी आ जाती है। चलो इंग्लिश ही। Pack your things, leave somehow. You wanna dress as karma, perfume regret. You're getting thinking, but when you were mine, you just want attention. You just want my heart. Maybe you just said I love me, someone new. किसी को इम्प्रेस करने के लिए इंग्लिश सॉन्ग से इम्प्रेस किया? अभी तो किसी को नहीं किया मैंने। किया होगा? एक्चुअली मैं इम्प्रेस करने के लिए नहीं गाता हूँ, मैं खुद की खुशी के लिए। मतलब खुद से ही आप इतने इम्प्रेस हो गए, किसी को इम्प्रेस नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल। देखा, आपकी स्माइल कहती है मैं खुद से इम्प्रेस हूँ। हाँ ये बात है। कितने इम्प्रेस हो? मैं काफी ज्यादा, मुझे बड़ा मजा आता है, मैं खुद की खुशी के लिए गाता हूँ, अपना 100% लगाता हूँ गाने में। तो अगर हम इस गाने की बात करें तो इसको कंपोज मैंने ही किया है, इससे पहले मेरे 3 गाने आ चुके हैं, तो एक मैंने कवर किया था बालिन गाने का, वो भी यूट्यूब पे है, तो उसके बाद मैंने एक और मेरा ही खुद का कंपोजिशन है वो रांझना, वो गाना अभी 3rd ये था। बताओ रांझना के बारे में। हाँ वो भी वो शिमला का प्रोजेक्ट था, तो उसमें भी काफ़ी मज़ा आया। जम्मू में उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, पहले इसको गा के बताओ। ओ माहिया वे ओ रांझना, तू ले चल मुझे कहीं इतनी दूर। गाइस मैं थोड़ा थोड़ा सुना रहा हूँ आपको, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज। नहीं नहीं, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दें, दूर शिमला चले गए थे और कितनी दूर जाना? अभी कोशिश है शिमला तक पहुंच गया, अभी कोशिश है कि मुंबई तक मैं भी पहुंच सकते हैं। डोगरी एक्चुअली मैं गाते हैं, बट मैं आपको ना एक मुझे माइंड में याद आ रहा है, सॉरी, तो पल्ला सपाइया डोगरी, ये डोगरी में है ना? हाँ, ते डोगरी की है। पल्ला सपाइया डोगरिया, रसलियां रसलियां धारा, तेरी सो रसलियां रसलियां धारा, तेरा बड़ा मंदा लगदा। गाइज अगर कुछ प्रोनंसिएशन में कुछ मिस्टेक हो गया तो सॉरी। बिल्कुल मैं ही मिस्टेक, धारा नहीं था, तारा था। सॉरी, क्योंकि मुझे एक्चुअली मैं गाता नहीं, बड़ा कम गाता, फिर भी ट्राई कर रहा हूँ मैं, नेक्स्ट में भी हमारा डोगरी में ही जो भी होगा सोचा हुआ है, एक डोगरी गाना भी करना है, बट उसे वेस्टर्न स्टाइल में करना है।
कैसे? चलो यहाँ पे मिक्स करके बताओ डोगरी और वेस्टर्न का कॉम्बिनेशन। अभी वो आपको पता, जब हमारी पूरी टीम बैठती है तब सबके स्वेच्छ लेने पड़ते हैं, तो उसके बाद फिर जाके वो मतलब कि पूरा एक स्कैटर करना पड़ता है। हाँ क्यों नहीं, मजे से क्योंकि फ्यूजन करना ना अच्छा रहता है हर चीज का, क्योंकि सेम चीज गाने से वो फिर ना सेम हो जाती है, तो फ्यूजन करेंगे तो ऑडियंस को भी कुछ नया मिलेगा और मजा भी आएगा। ये कोई ऐसा मोमेंट होगा जो शेयर करना चाहोगे तो उसके बारे में बताओ। एक मोमेंट था, उसको मैं क्या कहूँ कि वो फनी मोमेंट था या मेरे लिए एक चैलेंजिंग मोमेंट था या कैसा मोमेंट था, वो ये हुआ कि जब हम शूट कर रहे थे, जैसे कि डायरेक्शन के हिसाब से मेरे को बताया गया था कि जैसी वो लड़की आपसे मतलब पास आउट करेगी, आपके आमने सामने आएगी, एक लाइन थी हकीकत, वो बाद में मालूम हुआ जब सीने से सर उनका टकराया था, ये लाइन जब आई थी उस पर सीन था कि वो मेरे से पास आउट होना था उन्होंने, और डायरेक्शन के हिसाब से उन्होंने मुझे बताया था कि आपको ना मतलब जैसे होता है ना एकदम लड़का लड़की की आंखों में ही देख रहा और आगे का उसको कुछ पता ही नहीं, एकदम मतलब जिसको मैं अपनी लैंग्वेज में कहूँ एक ठेला लगना, वैसा कुछ था, तो ठुड्डा बोल दो, ठेला ठुड्डा कौन सी लैंग्वेज, ये हमारी पहाड़ी में एक्चुअली मतलब सेम ही है, क्या कहते हैं आप सोच लीजिएगा, आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं। तो वो था कि उसमें मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरे को कितने टेक उस चीज के लिए मेरे को देने पड़े, मैक्सिमम आई थिंक 20 से तो ऊपर ही होंगे और मतलब वो एक ऐसा सीन था कि कई बार तो मुझे लग रहा था कि स्टोरी चेंज कर देते हैं सीन की वजह से। परफेक्ट हुआ फिर? हाँ परफेक्ट हुआ बिल्कुल, आप जाके YouTube में सर्च करो हमारा YouTube चैनल वे टू सक्सेस म्यूजिक और आप वहाँ पर देखो, सबसे ज्यादा मेरे को लग रहा वही सीन है जिसको देख के मतलब वीडियो में कह सकते हो दम पड़ा होगा। चलिए इन बच्चों को जो है वो और ज़्यादा प्यार दीजिए अपना, अगर आप इनका सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो इनके यूट्यूब चैनल पे जाएं, वे टू सक्सेस पे जाएं, जिसका नाम इन्होंने रखा है कि जितना भी टैलेंट है उसे प्रमोट करना है, उसे सही रास्ते पे लेके जाना है, सक्सेस की तरफ लेके जाना है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जुम बुलेटिन। आशिया खान के साथ अल्लाह हाफ़िज़।